हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडियन आर्मी के जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम्स कोर्स 41 कम्युनिकेशन फ्रॉम जुलाई 2019। इसके बारे में यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसके लिए वन बाय वन मैं डिटेल में बोल जाता हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आप लोगों को समझ आए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10+2 जो लोग हैं उसके 10+2 जो लोग साइंस डिपार्टमेंट से है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जिन लोगों के पास है उन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी जो कि है नेशनलिटी, आपको मास्ट अ कैंडिडेट मास्ट पे अनमैरिड मेल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग अनमैरिड है वो लोग ही अप्लाई कर सकते मेल। इसके साथ साथ यहाँ पे आप इंडिया का सिटीजन, भूटान सिटीजन और नेपाल सिटीजन जो लोग है वो भी अप्लाई कर सकते। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 16 इयर्स से 19 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 10+2 या हायर सेकेंडरी एजेस पास होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको 70% मार्क्स आपको जो कि होना चाहिए आपके एजेस में, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि है यहाँ पे आपको द कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीज डिसेबिलिटी व्हिच इज लाइकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। देयर शुड बी नो एविडेंस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, बॉडीली डिफेक्ट ऑन अंडर वेट। थर्ड जो है द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इन 157.7 सेंटीमीटर फॉर गोक्रास एंड इंडिविजुअल बिलोंग टू हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और रीजन ऑफ इंडिया गढ़वाल एंड कुमाऊं, द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट विल बी 5 सेमीज लेस। इन केस अ कैंडिडेट फ्रॉम लक्षद्वीप द मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट कैन बी रिड्यूस बाय 2 सेमी। तो दोस्तों, इसके बाद जो है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन डिबर्ड फ्रॉम अपियरिंग एनी एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, कॉन्डिफेक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट और इन्वॉल्वड इन एनी कोर्ट केस। वैकेंसी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 90 पोस्ट है। इसके साथ साथ जो नीचे लिखा हुआ सीनियरिटी, दे विल बी ग्रांटेड सीनियरिटी ऑफ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कॉम्बाइन। ट्रेनिंग जो होगा यहाँ पे 5 इयर्स के ट्रेनिंग होगा, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड अवार्ड ऑफ डिग्री। कोर्स ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8,785 पर वीक और एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। द पीरियड ऑफ कैंडिडेट स्टे एट ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी गया कैडेट ट्रेनिंग विंग्स। यहाँ पे प्रमोशन के जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ सैलरी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक वाइज आपको सैलरी जो कि मिलेगा आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ उस तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते दोस्तों। और एक बात, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए इसका जो ऑफिशियल लिंक है www.joinindianarmy.nic.in आपको यहाँ पे जाके एप्लीकेशन करना होगा। इसके लिए आपको क्लास 10 की सर्टिफिकेट, मार्कशीट ओरिजिनल शोइंग डेट ऑफ बर्थ, क्लास 12 सर्टिफिकेट, मार्कशीट इन ओरिजिनल एंड आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, ये सब आपको देना होगा। तो दोस्तों, ये है आपका जो कि डिटेल्स इस जॉब के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है इस जॉब के लिए अप्लाई करना आप लोग कर सकते। और ध्यान रहे यहाँ पे 27 नवंबर 2018 तक जो कि इसका लास्ट डेट है, और स्टार्टिंग अप डेट जो कि है आज से शुरू हो गया है।
अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।